हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सिस्टर काल। आज मैं बताने लगी हूँ गाइस, यखनी वाली दाल माश, जो सुन के ही आपके मुंह पानी आ गया होगा। ये दाल पर्सनली जो है मेरी और मेरे बेटे की बहुत फेवरेट है, हम बहुत शौक से खाते हैं। साथ में अचार होता है, अगर पराठे हो तो और मज़ा आता है। लेकिन हमारे फैमिली में बेसिकली सबको दाल बहुत अच्छी लगती है, तो ये रेसिपी मैंने सोचा आप लोग से कैसे उस समय शेयर ना करूँ। तो कहा मैं मान लेती हूँ ये बहुत झटपट बनती है, आपको उतना नमक ज़्यादा भी कराना पड़ता है। अगर आप लोग जो औरतें जॉब करती हैं उनको टाइम मिलता है तो वो बस जल्दी से इसको मेरे ख्याल से आधे घंटे में दाल बिल्कुल तैयार हो गई होगी। आधा घंटा मैंने ज़्यादा बता दिया। अगर आप बिल्कुल चूल्हे पर खड़े हैं तो आप ये दाल बहुत जल्दी बना सकते हैं। और अगर आप दाल वैसे बॉयल करके रखी हुई है दाल माश, तब तो ये बहुत जल्दी बन जाएगी। तो अभी शुरू करते हैं दाल माश, वो भी जखने वाली। खाना बनाने से पहले मैं आकर्षित करूँगी यहाँ का मौसम। यहाँ पर हर तरफ आप बर्फ़ देख रहे हैं, और ये देखिए इस बर्फ़ के मौसम में दिक्कत है गर्म गर्म पकौड़े हों तो वो क्या ही मज़ा करता है इस बर्फ़ के मौसम में। ये पकौड़े नहीं, हम दाल को इन्जॉय करेंगे। तेल थोड़ा गर्म हो चुका है, उसमें मैं बना देंगी लहसुन का पेस्ट, एक टेबल स्पून जो है भर के। जब लहसुन फ्राई हो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे गरम मसाले, जो कि ये है कड़ी पत्ता, और ये है दालचीनी, यह है सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। मैंने इसमें 3-4 लौंगे डाली हैं, और जो है मैंने 8 से 10 जो है काली मिर्चें हैं जो कि साबित हैं, और एक बड़ी इलायची। खुशबू आना शुरू हो गई है इसमें फ्राई की। अब यही गर्म मसाला जो मैंने बताया है वो इसके अंदर। अब मैं डालूँगी इसमें टमाटर पेस्ट तकरीबन इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून। आप 3 टेबल स्पून से थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगा था कि यहाँ पर थोड़ा मटर डाल चाहिए ताकि थोड़ा मसाला बन जाए दाल का, तो आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास पीछे टमाटर नहीं है तो कोई मसाला नहीं है, आप जो है आम टमाटर लेके उन्हें छोटे छोटे काट के वो भी डाल सकते हैं। अब जाएंगे मसाले, 1 टीस्पून जो है रेड क्रश पेपर। अगर आपको ज़्यादा मिर्च पसंद है तो आप इसमें 1.5 टीस्पून डाल सकते हैं, जैसे कि हमें पसंद है। एंड 1/2 टीस्पून टर्मरिक यानी हल्दी पाउडर। सॉल्ट इसमें मैं इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि जो यखनी मैंने पहले से बनाई हुई है उसमें पहले से नमक है। एक और चीज़ घर में शेयर करना चाहूँगी कि अभी जब हम खाना बनाते हैं तो हम उसमें बहुत मसाले डालते हैं, लेकिन अगर मैं पुराने टाइम की बात करूँ, जैसे कि मेरी नानो जो कि गांव में रहती थी और वो खाना बनाती थी, वो बहुत कम मसाले इस्तेमाल करती थी, और उसमें इतना टेस्ट होता था खाने में कि मैं आज भी टेस्ट मिस करती हूँ कि ये नहीं। और मैं हैरान होती हूँ, मैंने उनके पास पढ़ कर देखा था कि आप क्या क्या डालती हैं कि आपका खाना बहुत मज़ेदार होता है नानो। और जब मैं देखती थी तो वैसे वही नमक और सुरख मिर्च करती थी, सुरख मिर्च का पाउडर डाल दो और हल्दी डाल दो, या अगर एंड पर डालना था थोड़ा सा गर्म मसाला, उसके अलावा वो कोई मसाला और इस्तेमाल नहीं करती थी, और उनके खाने में इतना टेस्ट होता था। और अभी क्या होता है कि हम हर खाने में बहुत से मसाले डालते हैं तो थोड़ा टेस्ट है वो इन्हें कमी आ गई हमारे टेस्ट में, वैसा टेस्ट नहीं जैसे पहले होता था। और मेरी दाल जो मैंने पहले से धोकर रखी हुई थी 1.5 कप है ये इसमें आई। थोड़ा सा इसको दाल के साथ बनाएंगे, पकाएंगे अच्छी तरह, और पकाने के बाद इसमें जाएगी चिकन की यखनी। ऑफकोर्स अभी यखनी के दाल माश है तो उसमें यखनी तो जाएगी, इसके बगैर तो ये दाल बिल्कुल
इतनी खास चीज़ वैसी नहीं हुई जैसे मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले बार टेस्ट की थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। हम अक्सर काज आपको पता है, अक्सर काज जो है मेरी अम्मी जान चाय बनाती थी दाल माश के साथ कीमा, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। हालांकि मेरे हस्बैंड सुनने में बहुत हैरान हुए थे कि दाल माश के साथ कीमा, उन्होंने कभी नहीं खाया, लेकिन मैंने खाया हुआ, मुझे वो बहुत पसंद था ये नहीं। और मुझे चने की दाल के साथ चिकन, वो भी मुझे बहुत पसंद था, लेकिन मेरे हस्बैंड को जो दाल पसंद है वो कहते हैं मुझे खाली दाल पसंद है, यानी कीमा गोश्त वगैरह उनको इतना पसंद नहीं है। और उसने यखनी ये है 2 कप, अगर इन केस आपको यकीन नहीं है तो आप चिकन क्यूब्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं दो उसके अंदर, लेकिन आपको जो आप सही अगर आप टेस्ट लेना चाहते हैं तो आपको चिकन की यकीन सही मिलेगा। मैं बाद में डिस्क करूँगा कि नमक कम हुआ तो मैं इसमें थोड़ा नमक बाद में डाल दूँगी। अब आप इसको तब तक पकाएं जब तक दाल गल नहीं जाए। पहले शुरू में आपको रखेंगे इसको सही फुल मीडियम से लो में रखेंगे, और उसके बाद जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा, जब बॉयल शुरू होगा तब हम इसे लो मीडियम पे कर देंगे। और इसमें बॉयल आ चुका है और अभी हम इसके कर देंगे हल्की आंच पे, लो मीडियम पे। अब इसे 15 मिनट तक पकाएंगे। पानी भी खुश्क हो चुका है, दाल बिल्कुल तैयार है। अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून गरम मसाला, गार्निशिंग के लिए मैंने चीज़ काट रखी हुई थी, मैंने अदरक जो है वो काटी है बारीक स्लाइस करके, और मैंने लिए हैं हरी मिर्चें, ये इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, इसमें इतनी मिर्चें नहीं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मिर्चें रेड कलर की, और ये जो है हमारे पास कोरिएंडर जो मैंने काट के रखा हुआ है। अब ये सारी चीज़ें के ऊपर जाएंगी, अदरक मिर्ची मैंने काट के रखी हुई थी, थोड़ी सी हमारी दाल पूरी है बिल्कुल तैयार।